अगर आप Google Pixel 5a ख़रीदने का सोच रहे हैं और अगर आपको लगता है 4a आपके पास है और आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो क्या 5a एक बेटर डिवाइस है 4a से ओवरऑल? क्या ये इंडिया में आने वाला है? और अगर इंडिया में आता है तो क्या आपको इस फ़ोन की तरफ देखना चाहिए एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन? चलिए देख लेते हैं। अब गूगल पिक्सल 5a मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, नोट कीजिएगा वर्ड फ़िलहाल नहीं है, बट हो सकता है बहुत ही जल्द ये खुशखबरी आपको मिले कि गूगल पिक्सल 5a आया है मेरे पास, और उसके बाद तो ऑफ कोर्स अनबॉक्सिंग से लेके फुल रिव्यू उसका होने वाला है। बट तब तक के लिए कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन द 4a एंड द 5a जो आपको मैं अभी बताऊँगा, जिसके बेसिस पे शायद आपको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ी सी जो है आसानी हो जाए। सबसे पहला चीज़ जो है डिज़ाइन। अब मेरे पास ये 4a है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ लास्ट कुछ महीनों से, और डिज़ाइन वाइज मुझे लगता है 5a इज़ अ माइल्डली बेटर डिवाइस, बिकॉज उसका जो बैक है वो बेहतर लगता है मुझे देखने में क्वालिटी वाइज, और ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है मुझे एटलीस्ट 5a का थोड़ा सा बेटर लगा। ऑल दो इनके जो ए सीरीज ऑफ डिवाइसेस है वो कहने को इनके बजट डिवाइसेस है एज कम्पेयर टू देयर प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेस लाइक द 5, द 4 और समथिंग एल्स एज फार एज द पिक्सल डिवाइसेस आर कंसर्न। तो जो बिल्ड क्वालिटी है 4a में मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स तो ऐसी फेस नहीं हुई, ना कोई क्रीक्स है ना कोई साउंड है, बट 5a की अगर मैं तस्वीरें देखूँ या ऑनलाइन वीडियोज भी देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 5a की बिल्ड क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बेहतर ज़रूर है। दूसरी चीज़ जो मुझे पर्सनली इम्प्रेसिव लगी है Google Pixel 5a में वो है उसका स्क्रीन साइज़। अब पिक्सल डिवाइसेस जो 5a हो या 4a हो, 4a बेसिकली या 3a हो, स्क्रीन साइजेस उनके 5.7, 5.8 इंच ही रहे हैं मेजरली, बट Google Pixel 5a के साथ Google ने स्क्रीन साइज 6 इंचेस का जो बैरियर है वो कर दिया है ब्रेक। अब क्या इसके फ़ायदे हैं? वेल ऑफ कोर्स एक बड़ी स्क्रीन के फ़ायदे हैं बिकॉज आपको कंटेंट कंजम्पशन के लिए बड़ा स्पेस मिल जाता है, और ओवरऑल अगर मैं बताऊँ आपको क्वालिटी ऑफ इमेज भी कहीं ना कहीं आपको देखने में मज़ा ज़रूर आता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हैंड होल्डेबिलिटी में 4a शायद कहीं ना कहीं बेहतर है, बिकॉज स्क्रीन साइज इसका 5.8 इंचेस डायगनली इज़ परफेक्ट फॉर योर कंटेंट व्यूइंग एज वेल एज वन हैंडेड ऑपरेशन के लिए भी। तो वन हैंडेड ऑपरेशन के लिए शायद 5a में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़े आपको, बट अगर आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए और आपको पिक्सल डिवाइस चाहिए देन आई थिंक द 5a मेक्स मोर सेंस। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है बेहतर है 5a में वो है बैटरी। अब इसकी बैटरी ऑफ कोर्स आपको पता है एक दिन बेरली लास्ट करती है, उस हिसाब से Google Pixel 5a की बैटरी जो है वो बड़ी है, तो मुझे लगता है वो एटलीस्ट डेढ़ दिन तो लास्ट कर ही जाएगा। अब कहीं 30-40% बड़ा बैटरी Google ने दिया हुआ है Pixel 5a में, विच इज़ अ ह्यूज डील, बट देन अगेन स्क्रीन Google Pixel 5a का बड़ा है, तो शायद बड़ी बैटरी का उतना फ़ायदा हमको ना दिखे जितना कि आपको दिखना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है Google Pixel 5a में बड़ी बैटरी देके Google ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अगली चीज़ जो मुझे लगता है 5a में बेटर है वो है IP रेटिंग। अब 4a की अगर मैं बात करूँ इसमें Google ने कोई भी IP रेटिंग नहीं दिया है, तो ये डस्ट वाटर रेजिस्टेंट बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू Google। ऑल दो मैंने बारिशों में काफ़ी शूट किया है, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में ऊपर लिंक छोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं कि बारिशों में किस तरह के पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हो Google Pixel 4a से, बट 5a में अब Google ने IP सर्टिफिकेशन दिया है, विच मीन्स अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पानी में डुबो के आप रख सकते हैं, बट स्प्लैश प्रूफ और कहीं ना कहीं डर्ट प्रूफ या जो है ओवरऑल आपको एक सेफ्टी का एक बैरियर मिल जाता है 5a के साथ। आखिरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके कैमराज। अब Google Pixel 4a हो या Google Pixel डिवाइस हो, हमेशा उनके कैमराज के लिए जाना जाता है, और अब फाइनली 5a के साथ Google ने एक वाइड एंगल लेंस जो 5 में था वो इंक्लूड
कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इमेजेस लेने में फ़ायदा होने वाला है। अब 4A में तो एक कैमरा है, तो कहीं ना कहीं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, बिकॉज कैमरा में कोई चॉइस अब तक आपके पास A डिवाइसेस में गूगल पिक्सल में नहीं थे, बट विद द 5A वाइड एंगल लेंस ऐड कर दिया है। अब वाइड एंगल लेंसेज के क्या फ़ायदे हैं, ग्रुप शॉट्स हो, आर्किटेक्चर लेना हो, कोई वास्ट सीनरी हो, लैंडस्केप हो, वाइड एंगल लेंस के फ़ायदे बहुत सारे हैं। और गोइंग बाय हाउ द गूगल पिक्सल डिवाइसेस आर, मैं पक्का कह सकता हूं कि गूगल पिक्सल 5A का जो इमेज क्वालिटी है, वाइड एंगल लेंस का हो या मेन लेंस का हो, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो गूगल पिक्सल 5A का इंतज़ार हम सब कर रहे हैं इंडिया में लॉन्च होने का। आई एम नॉट श्योर इंडिया में लॉन्च गूगल कर रहा है कि नहीं, बिकॉज अभी तक जो है यूरोपियन मार्केट्स में भी बहुत कम मार्केट्स है जहां गूगल ने लॉन्च किया है 5A को, बिकॉज 6 जो है इनका आने वाला है, 6 और 6 प्रो, विच आर गोइंग टू बी देयर टॉप एंड फ्लैगशिप मॉडल्स। तो उसका इंतज़ार हम सब कर रहे हैं बेसब्री से, बट इन द मीन टाइम 5A को पुश करके गूगल ने ये जता दिया है कि उनको जो है अपने 5A हो या A सीरीज ऑफ पिक्सल डिवाइसेस हो, उनमें काफ़ी भरोसा है। और क्यों ना हो, गिवन द फैक्ट दैट दीज आर वैल्यू फ्रेंडली डिवाइसेस और बहुत ही बेहतरीन डिवाइसेस होते हैं। अब प्राइस क्या होने वाला है 5A का, वो भी जो है एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है 38-40,000 के आसपास होने वाला है। तो ऑफ कोर्स उसके बाद प्राइस ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गूगल ये सोचे कि 5A को इंडिया में लॉन्च करे, बिकॉज मुझे लगता है एट दैट प्राइस पॉइंट 5A इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डैम गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन, बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी, द बिगर स्क्रीन, द कैमराज, द बेटर बैटरी एंड ऑफ कोर्स द IP67 ये IP रेटिंग। तो अगर आप 5A का इंतज़ार कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या 4A खरीद लिया जाए, वेल अगर आपको बिग बिलियन डे सेल या कोई ऐसी सेल में 4A के प्राइस में काफ़ी ड्रॉप मिले तो ऑफकोर्स गो अहेड, बिकॉज फ्रेंकली बताऊंगा 5A का अभी तक गूगल ने ओपनली कोई भी डिस्क्लोजर नहीं किया है इंडिया मार्केट को लेके, तो मैं खुद अभी भी स्केप्टिकल हूँ कि इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं। बट अगर कहीं ना कहीं से न्यूज़ ये पक्का मिल जाती है कि 5A लॉन्च होने वाला है, देन मैं कहूँगा आप 5A का इंतज़ार करिए, बिकॉज ओवरऑल अगर मैं बात करूँ डिवाइस की तो 5A 4A से कहीं ना कहीं बेहतर ज़रूर है, बट देन अगेन प्राइस में भी काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो या दैट्स अबाउट इट, 4A वर्सेस 5A इन अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो। जब फ़ोन मेरे पास होगा, विच शुड बी सून इनफ, ऑफकोर्स एक रिव्यू और अनबॉक्सिंग और कैमरा सैम्पल्स वगैरह सब डालने वाला हूँ। तो इसी के साथ इस वाले शॉर्ट वीडियो को करूँगा एंड। लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, बिकॉज टेक चैनल है तो टेक वीडियोस काफ़ी आने वाली हैं। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।